हेलो गाइस, सो फाइनली मैं अपना न्यू DSLR लेने जा रहा हूँ और ये एक मिररलेस कैमरा है। और ये वाली वीडियो के अंदर मैं आपको शो करूँगा कि मैं कौन सा बाय करने लगा हूँ कैमरा, और ये मेरा फर्स्ट कैमरा होगा जो मैं खरीदने वाला हूँ। वैसे मेरे को भी सही में बताऊँ तो बिल्कुल चलाना भी नहीं आता अच्छे से DSLR, बट वो मैं आगे सीख लूँगा। सो देखते हैं कि मैं कौन सा कैमरा बाय करता हूँ आगे वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस टाइम पे मैं हूँ शॉप में जहाँ से मैंने अपना कैमरा बाय करना है। मैंने अपना कैमरा डिसाइड तो कर लिया है, वैसे साथ में मैंने कुछ और सामान भी लिया है जैसे ट्राइपॉड, बैग, मेमोरी कार्ड, बैटरी। इस शॉप में वैसे सारी कंपनी के कैमरा अवेलेबल हैं, कैमरा के साथ एक्सेसरीज भी सारी की सारी हैं, गिम्बल से लेकर लेंसेज तक सब कुछ है इनके पास। सो लेट्स फाइनलाइज इट एंड गेट बैक टू द स्टूडियो। सो गाइस, फाइनली आई एम बैक इन द स्टूडियो और मैंने अपना ले लिया नया कैमरा, और अब हम इस कैमरे को आगे देखेंगे और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको इसके बारे में और डिटेल्स भी बताऊंगा। सो लेट्स सी। सो गाइस, दिस इज अ ल्यूमिक्स मिररलेस कैमरा जो कि पैनासोनिक का ब्रांड है, और ये मेरे को पड़े अराउंड 50,000 का विद सम एक्सेसरीज। एंड अगर आपका क्वेश्चन है कि मैंने कैनन या फिर निकॉन क्यों नहीं बाय करा, तो वो इसलिए बिकॉज मेरे को मिररलेस कैमरा लेना था और कैनन और निकॉन में जो मिररलेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और 50,000 तक जो भी कैमरा आते हैं कैनन और निकन के उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मेरे को चाहिए थे बट उनमें नहीं थे। एंड मोर ओवर वो सारे फोटोग्राफी वाले कैमराज हैं, और जो ये ल्यूमिक्स है ये वीडियो वाला कैमरा है, ये अपने वीडियो के लिए जाना जाता है। सो गाइस, लेट्स अनबॉक्स दिस। वैसे मैंने इसको एक बार ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया था शॉप पे चेक करने के लिए। इसका मॉडल नंबर इज G85K और ये काफ़ी सारे डिफरेंट लेंसेज के साथ आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स के अंदर कुछ पेपर वर्क है, इंस्ट्रक्शंस है, वारंटी कार्ड है। हम इसको साइड पे कर लेते हैं और आगे देखते हैं क्या है। सो दिस इज द कैमरा हुड विच प्रोटेक्ट्स द कैमरा, और यहाँ पे है एक एक्स्ट्रा बैटरी। एक बैटरी ऑलरेडी कैमरा के अंदर है और मेमोरी कार्ड भी कैमरा के अंदर है। सो लेट्स सी द लेंस फर्स्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं ये लेंस काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, और ये 14-42 mm किट लेंस है, और ये लेंस नॉर्मल सा ही है बट मेरे जैसे बिगनर के लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे है एक ल्यूमिक्स का कैमरा स्ट्रैप। सो गाइस, फाइनली ये रहा हमारा ल्यूमिक्स का कैमरा, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा कैमरा बिकॉज मिररलेस है, मिररलेस जनरली कॉम्पैक्ट ही होते हैं और ये DSLR की तरह बिल्कुल भी बल्की नहीं होते। सो इस कैमरे की जो ग्रिप है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छी है, और इसकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल फ्लिप आउट है, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में फ्लिप कर सकते हैं। इसके साथ अब मैं इसका लेंस अटैच करके देखता हूँ। ये रहा हमारा किट लेंस। इसका सबसे पहले मैं पीछे से इसकी कैप खोल लूँगा, और जो कैमरा की बॉडी के ऊपर भी एक कैप लगी होती है मैं उसको भी खोल लूँगा, और हम इसको फिर अटैच कर लेंगे। इस लेंस का जो सेंसर का साइज है वो है Micro Four Thirds। यहाँ से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और इसकी जो आगे वाली रिंग है वो फोकस वाली रिंग है। हम इसके ऊपर हम कैमरा का हुड लगा के देख लेते हैं। सो हेयर इट इज, ये रहा हमारा ल्यूमिक्स का G85K। सो गाइस, अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ दिस कैमरा आर IBS। अब IBS होता है इन बॉडी स्टेबलाइजेशन, इससे कैमरा की जो वीडियो होती है वो काफ़ी स्टेबल रहती है लाइक गिम्बल की तरह, और ये 4K रिकॉर्ड कर सकता है 30 FPS पे एंड 1080p एट 60 FPS। इसकी जो स्क्रीन है वो फ्लिप आउट है, इसके अंदर पोस्ट फोकस की भी ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छी होता है, उसके अंदर हम इमेज लेने के बाद भी इमेज का फोकस चेंज कर सकते हैं। इसका जो व्यू फेंडर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फेंडर बिकॉज इट्स अ मिररलेस कैमरा। इसके ऊपर मेनली 4 डायल्स दिए हैं जिससे हम
चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स मैनुअल में, ऑटो में, और भी जितने भी वीडियो की सेटिंग्स हैं, टाइम लैप्स की सेटिंग है, टाइमर की सेटिंग्स हैं, वो सब ऊपर डायल से चेंज कर सकते हैं। कैमरा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और डिटेल्स जाननी है तो आप चेक कर सकते हैं। इसका मॉडल है ल्यूमिक्स G85, या फिर आप सीधा गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। पहले मैंने सोनी का α6000 लेना था, बट उसमें माइक इनपुट नहीं था, उसमें जो स्क्रीन थी वो भी फ्लिप आउट नहीं थी, और उसके अंदर रिकॉर्डिंग लिमिट 30 मिनट्स की थी, इसलिए मैंने ल्यूमिक्स ले लिया। इसके अंदर रिकॉर्डिंग लिमिट का कोई इशू नहीं है, इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा मेमोरी कार्ड नहीं फेल हो जाता या फिर हमारी बैटरी नहीं फिनिश होती। और मेरे को कैमरे की मेन ज़रूरत वीडियो के लिए है, इसलिए मैंने ल्यूमिक्स का कैमरा बाय करा है। जब मैंने सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू करी थी अपनी ड्राइंग्स की, तब मैंने बहुत ही एक पुराने फ़ोन से स्टार्ट करा था, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस की क्वालिटी जाके देखोगे यूट्यूब पे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। उस टाइम वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी आ पाती थी, बट फाइनली नाउ आई हैव अ गुड कैमरा एंड आने वाली वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, एंड आई होप आपको आने वाली वीडियोस और भी पसंद आए। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी सी इमेजेस भी आपको शो करता हूँ जो मैंने अभी भी इस कैमरा से क्लिक करी थी। अभी तो वैसे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग ही करी है यूज़ करने की, अभी मेरे को इतने अच्छे से इसके सारे फीचर्स पता भी नहीं है, मैं सीख रहा हूँ इसकी सेटिंग्स को, बट ये कुछ इमेजेस थी जो मेरे को थोड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन की इमेजेस कैसे की हैं। सो गाइस आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस टाइम अपने न्यू स्टूडियो में हूँ, और ये वाले स्टूडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और इस नए स्टूडियो का टूर मैं बहुत जल्द डालूंगा अपने चैनल पे। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक, डू कमेंट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।